हेलो फ्रेंड्स, संजीवनी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके आने वाले एग्जाम में जो एक्सट्रैक्ट होता है 4 मार्क्स का, उसका मोस्ट टॉपिक लिया है और वो लाइन लेने की कोशिश की है, वो एक्सट्रैक्ट लेने की कोशिश की है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम में। तो वो हमने लिया है आपके 10 7 एजेज ऑफ मेंशन, और एक्सट्रैक्ट लिया है हमने ये जस्टिस वाला आपके, यानी कि उसकी 5th स्टेज का। आइए हम इसको पढ़ते हैं और इससे आने वाले जो भी आपके क्वेश्चन से कैसे आते हैं, और हम अगर ये आ जाए तो इसका आंसर अच्छे से कैसे बनाए ताकि हमारे 4/4 यानी 4/4 पूरे मार्क्स मिले। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेज डज अ मैन प्ले द रोल ऑफ अ जस्टिस, किस अवस्था में एक व्यक्ति न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। आंसर, इसके लिए हमने आपके एक ही डायग्राम बनाया है और इसमें हमने आपकी प्रत्येक स्टेज को लिख लिया है। जैसी भी स्टेज वो पूछे, आपको याद करने की अलग से कोई नीड नहीं है। अब इसने पूछा है कौन सी अवस्था में जस्टिस की भूमिका अदा करता है, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। आप भी ऐसा एक एरो बना लें और आप याद करके जाएं। फ्रेंड्स, आपके दो दो नंबर में भी हर साल एक नहीं एक उसकी स्टेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 4th, कभी 5th, कभी 6th। आपको अलग से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आइडिया आप जरूर काम में ले लें और बोर्ड कॉपी में भी लास्ट पेज पर कहीं भी आप जाकर बना लें। अगर आपकी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके 2 नंबर, इसके अलावा आपके जो 3 क्वेश्चन दो दो नंबर के पोइट्री सेक्शन के आते हैं उनमें भी प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर नोट कर लें। पहले में एन इन्फेंट यानी शिशु के रूप में, दूसरे में स्कूल बॉय के रूप में, तीसरे में लवर के रूप में, 4th में सोल्जर यानी सैनिक के रूप में, 5th में जस्टिस के रूप में, जो कि हमारा ये आंसर है। कौन सी अवस्था में वो एक जस्टिस की भूमिका अदा करता है, हमने इस एरो से पता लगा लिया। 5वीं भूमिका है, 5वें नंबर पर वो जस्टिस की भूमिका अदा करता है। 6ठी में वो ओल्ड एज पेंटालून बन जाता है, और लास्ट जो है उसकी जो लास्ट स्टेज है ये 7वीं स्टेज होती है, और इसमें वो क्या करता है, अंतिम अवस्था में आ जाता है। ये जरूर आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फिजिकल फीचर्स डज अ मैन हैव एज अ जस्टिस, और हाउ इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जज, यानी कि जज की जो शारीरिक अपीयरेंस होती है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसके आंसर के लिए हम यहाँ चलते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन विद आई सीवेर एंड बियर्ड ओ फॉर्मल कट, ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी दाढ़ी होती है, आंखें होती हैं जो कठोर होती है, तीक्ष्ण होती है, पेट गोल मटोल होता है, इस प्रकार ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पूरा आंसर मिल गया, इसमें कोई परेशानी नहीं आई और ये हमने आंसर यहाँ लिख दिया। एज द जस्टिस अ मैन हैज फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ से हमने यहाँ तक लिख दिया। ही हैज सीवियर आइज एंड बियर्डो फॉर्मल कट, इसमें हमारे 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही प्ले हिज पार्ट ऑफ जस्टिस, वो जज की भूमिका कैसे अदा करता है। तो ये हमें सेकंड लास्ट वाली लाइन देखिए आप, फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस प्रकार वो उसकी भूमिका अदा करता है। तो हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, ही प्ले हिज पार्ट ऑफ जस्टिस विद वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, यहाँ पर रहा बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और आधुनिक नए उदाहरण देकर वो अपनी भूमिका अदा करता है। इस प्रकार ये हमारे 4 नंबर आसानी से आ जाएंगे और ये मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको इसका कलेक्शन किया है। ऐसे कई सारे आइडियाज हैं और आगे भी आएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।